मैं बॉबी जेमिनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पति के खौफ के चलते एक विवाहिता अपने मासूम से 2 साल के बच्चे के साथ अपने मायके में खौफ की जिंदगी जी रही है। घर के बाहर निकलने में भी उसे डर लगने लगा है कि कहीं उसका सिर फिरा पति एसिड अटैक न कर दे या तो उसके बच्चे को उठा कर न ले जाए। कई दिनों से अपने ससुराल वालों का शिकार बनी हुई थी। उसके बाद जब उसे मानसिक रूप से और परेशान किया गया तो उसने मानकापुर पुलिस थाने में आधा दर्जन शिकायत कर चुकी है। बावजूद इसके भी उसे दर दर भटकना पड़ रहा है और ये सब उसके ससुराल वाले दहेज के कारण उसे परेशान कर रहे हैं, मारते पीटते रहे। प्रियंका पांडे का कहना है कि ससुराल वाले उसे दहेज के कारण मारते पीटते थे, मानसिक रूप से उसे परेशान करते थे। अक्सर उसका पति शराब पीकर घर आता था और इसी दौरान उसके ससुराल वाले यानी कि उसके सास ससुर और उसकी ननद उसके पति को भड़काती थी और फिर इसके बाद उसका पति उसे बहुत मारता और पीटता था। इन सब से प्रियंका परेशान हो गई तो उसने अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके रहने चली आई। फिर भी उसका पति शांत नहीं रहा और उसने उसे मैसेज कर करके धमकी देना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने जब फिर से पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की तो उसके पति ने उसके घर वालों और उसे जान से मारने की धमकी दी और केस वापस लेने को कहा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी प्रियंका दर दर अभी तक भटक रही है और उसका पति खुलेआम घूम रहा है, लेकिन फिर भी इसमें पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही है। और इसी बीच प्रियंका बहुत परेशान है, उसे डर है कि कहीं उसका पति उसे फिर से परेशान ना करे क्योंकि वो अभी भी उसे जान से मारने की धमकी देता है या फिर उसे उसके बच्चे से उसे छीन लेगा, ऐसी धमकियां भी देते रहता है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में है लेकिन अभी तक वो फरार है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।